नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे साइकिल में एलईडी लाइट लगाना, मतलब साइकिल में किस तरीके से एलईडी लाइट लगा सकते हैं, वो भी बेकार पड़ी पुरानी चीज़ों से। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं, चाहे छोटी साइकिल हो चाहे बड़ी साइकिल हो, किसी में भी आप लगा सकते हैं और नाइट में कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं, काफ़ी रोशनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं किस तरीके से लाइट लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटी सी साइकिल है और इसमें जो है मैंने एक एलईडी बल्ब लगाया है। तो आप इसे देख रहे हैं, इसमें देखिए कितना मतलब जो है हेडलाइट की तरह अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे मैंने एक स्विच भी लगाया है, तो ये जो स्विच लगा हुआ है और ये देखिए ऑन किया और ये एलईडी बल्ब जो है जल गया। तो ये दिन है, मतलब दिन में जो है इसकी रोशनी ज़्यादा नहीं मालूम चल रही, लेकिन रोशनी इसमें बहुत ज़्यादा है, रात में बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देती है। तो इसे मैंने लगाया कैसे, ये सारी बात अभी हम आपको बताएंगे, जिससे आप भी आसानी से लगा सकें। तो ये जो है मतलब जो हेडलाइट जो बनाई है, जो मैंने पुरानी टार्च थी उसकी बनाई, जो पुरानी टार्च बेकार हो गई, तो उसकी हेडलाइट मैंने खोल ली, आगे वाला हिस्सा मतलब खोल लिया और यहाँ पे लगाया और दो मतलब निगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन उठा दिए हैं। ये देखिए मतलब टाँका लगा दिया और निगेटिव पॉजिटिव के, और एक पुरानी बैटरी, ये मोबाइल की पुरानी बैटरी जो है उसी पुरानी बैटरी से मैंने कनेक्शन किया है। तो डायरेक्ट कर देते तो मतलब ये ऑन ऑफ नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक स्विच लगाया है। तो ये देखिए स्विच से जो वायर आया हुआ है, तो ये स्विच जो है मैंने देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये जो कनेक्शन किस तरीके से किया, अभी हम पूरी बात बताएंगे। जैसे बैटरी के दो डायरेक्ट तार लगाए जाते हैं तो उनमें क्या करना है, एक तार को डायरेक्ट दे दिया, एक तार जो दो तार मतलब स्विच से आते हैं तो एक घुमा के दे दिया उससे, तो उसे स्विच से मतलब ऑन करेंगे तो ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा। तो ये देखिए स्विच के मतलब जो है मैंने ये एलपी से जोड़ दिया, चिपका दिया, तो ये चिपक गया यहाँ रखे, उसके बाद जो कनेक्शन वहाँ पे दे दिए हैं। तो अब ये है मतलब इसे चलाएंगे, ऑन करेंगे तो जलेगा, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाए। देखिए ऑन कर दिया, ये लाइट जल गई। दिन है मतलब दिन है, रोशनी है काफ़ी, तो इसलिए ज़्यादा रोशनी नहीं मालूम चल रही है। अब इसे ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी सही रहती है। तो आप चाहें तो बड़ी साइकिल में भी लगा सकते हैं, जो बड़ी साइकिल होती है तो बड़ी साइकिल में भी लगा सकते हैं, तो रात में कहीं आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब काफ़ी रोशनी है इसमें। तो इसके लिए कुछ करना नहीं, बस ये एक पुरानी टार्च है उसकी एक आगे वाली लाइट लेना है, उसको खोलना है, और एक बेकार जो है मोबाइल की बैटरी जो मतलब यूज में नहीं आ रही, बेकार पड़ी हुई है, वो ले लें, या चाहे सही बैटरी ले लें, कोई से भी आप ले सकते हैं और उसके बाद जो है इसमें लगा सकते हैं। अब बात ये आती है इसे चार्जिंग कैसे करेंगे, तो चार्जिंग के लिए बार बार तार तो बांधेंगे नहीं, तो इसमें आप देखिए ये एक चार्जिंग सॉकेट भी आता है, ये भी 2 रुपये का मिलता है मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, तो इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं और निगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन दे दें। तो निगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन कैसे देने हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए अंदर वाला पॉइंट जो उंगली से हम बता रहे हैं, अंदर वाला पॉइंट है वहाँ पॉजिटिव देना है, ऊपर वाले पॉइंट पर निगेटिव देना है, बाहर वाला पॉइंट जो है निगेटिव होता है, अंदर वाला पॉजिटिव होता है। तो अभी हम बैटरी के हिसाब से बता दे रहे हैं आपको, ये देखिए बैटरी को, ये बैटरी, चलिए थोड़ा सा बैटरी को हम ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं, समझाते हैं किस तरीके से इसमें मतलब कनेक्शन देना है। तो ये तार जो बंधे हुए हैं वो बंधे रहने देना है, उसके बाद जो है चाहे अलग से दो तार उठा लें चाहे इसी को ले लें। ये काला वाला जो है निगेटिव, काला वाला निगेटिव है जो ऊपर के लिए सोल्डरिंग कर देना है, और जो लाल वाला जो बैटरी का है पॉजिटिव, इसे अंदर के लिए सोल्डरिंग कर देना है, मतलब अंदर वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला जो है निगेटिव होता है। तो इस तरीके से सोल्डरिंग कर दें और कहीं पे भी आप लगा दें, थोड़ा वायर चाहे लंबा कर लें तो और जो बैटरी तो काफ़ी छोटी होती है, इस बैटरी को कहीं पे भी छिपा सकते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई सा भी कुछ भी लगा सकते हैं, ये टोकरी में और कहीं पे भी दाएं बाएं छिपा दें तो वो बैटरी नहीं मालूम चलेगी और काफ़ी सही रहती है, सूटेबल रहती है। बस मोबाइल जिस तरीके से मोबाइल चार्ज करते हैं उसी से, उसी पतली वाली पिन से चार्जर को लगाना है करीब 15 या 20 मिनट तो आराम से जलेगी, करीब 2 घंटे जलेगी, तो बहुत सही रहता है इसमें और काफ़ी रोशनी होती है, एलईडी होती है, बहुत कम करंट खाती है, ज़्यादा करंट नहीं खाती, तो एक बार चार्ज कर लेंगे तो आप 2-3 दिन चलाएँगे। तो मैंने इसी तरीके से बनाया, मैंने सोचा आप लोगों को भी बताएँ कि तरीके से ये जानकारी आपको भी दें तो आप भी इसे बना सकें आसानी से। अब और अभी मतलब इसमें मैंने ये जो चार्जिंग वाला स्विच नहीं लगाया है, मतलब पिन नहीं लगाया, पिन वाला जो सॉकेट होता है चार्जिंग वाला वो मैंने नहीं लगाया, बाकी जो है सब कुछ लगा दिया है। और देखिए कितनी अच्छी जो है इसमें लाइट आ रही है, बस थोड़ी सी ये दिन है, दिन की वजह से नहीं मालूम चल रही है, तो उसी हिसाब से आप इसका फोकस भी बहुत अच्छा जाता है, काफ़ी दूर तक फोकस जाता है, जैसा आप चाहें सेट कर लें उसी हिसाब से उसे वहाँ पर रोक दें। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, छोटी साइकिल हो चाहे बड़ी साइकिल हो, किसी भी साइकिल में आप लगा सकते हैं, कोई इसमें जो है लगाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी शाम को मतलब एक वीडियो शूट करेंगे इसका, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये। तो ये देखिए दोस्तों, ये शाम हो गई है, तो मैंने सोचा शाम को इसका वीडियो शूट करें फिर आपको दिखाएं कि कितनी इसमें रोशनी होती है। तो देखिए मैंने ये स्विच ऑन किया यहाँ पर, अब देखिए इसकी रोशनी आ रही है,
देखिए फोकस भी अच्छा खासा आ रहा है, जैसे बाइक में नहीं फोकस आता है गाड़ी का, तो ये आपको वीडियो में हो सकता है रोशनी कम लग रही हो, लेकिन ये रोशनी बहुत है, काफ़ी रोशनी है, क्योंकि वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं मालूम चल रही होगी क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। तो मैंने सोचा आपको अंधेरे में दिखाएं किस तरीके से इसकी लाइट का फोकस जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसका फोकस है बाइक की तरह बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, आराम से लगाइएगा साइकिल में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।